कन्फर्म टिकट है, दो टिकट के 50 रुपए। किले में दाखिल होने का मेन एंट्रेंस गेट है और इस तक आने के लिए सामने छोटी सी संदरी गली मौजूद है, वहां से आना पड़ता है और इस दरवाजे को पूरी तरह घेरा गया है ताकि दुश्मन डायरेक्ट दरवाजे पर अटैक न कर सके। और दरवाजे के ऊपर जो सुराख है इसलिए बनाई गई है कि अगर हाथी के जरिए कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश करे तो गर्म पानी या तेल के जरिए हाथी को भगाया जा सके। यह तो बहुत बड़ा किला है। बताने वालों ने बताया कि इस किले को घूमने के लिए आराम से शाम लग जाती है, यानी अगर कोई 11 बजे आता है यहाँ पर तो 4-5 बजे तक वो इस पूरे किले को देखने में गुजार सकता है। इतना बड़ा यह किला है। इस किले की तारीख जो है असल में कुतुब शाही खानदान की जो हुकूमत थी उस हुकूमत के कब्जे में यह किला था, लेकिन हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने इस किले को फतह किया था। जब वो दक्कन को आए तो हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के जो बड़े बड़े कारनामे हैं उन बड़े बड़े कारनामों में से एक बड़ा कारनामा यह है कि उन्होंने इस किले को फतह किया था, इस किले को उन्होंने जीता था। इसकी बहुत बड़ी तारीख है। इंशाल्लाह मैं अगले आपको तारीख भी बताने की कोशिश करूंगा और साथ ही साथ आपको किला दिखाने की भी कोशिश करूंगा। इससे पहले मैं एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया हूँ जिसमें हज़रत यूसुफुद्दीन और शरीफुद्दीन रहिमहुमल्लाह की तारीख आपको बताई थी। तो हज़रत यूसुफुद्दीन और शरीफुद्दीन रहिमहुमल्लाह की दुआओं की बरकत से हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने जिस किले को फतह किया था वो यही किला है और इसको गोल कुंडा किले के नाम से जाना जाता है। तो किला बहुत बड़ा है। इंशाल्लाह मैं जितना हो सके आपको दिखाने की कोशिश करता रहूँगा, वीडियो में आखिर तक बने रहें। ये तो दरवाज़ा है, किला तो बहुत बड़ा है। देखिए ऊपर, देखें ऊपर मस्जिद भी दिख रही है आपको, एक दो मीनारे नज़र आ रहे हैं मस्जिद के, शायद ऊपर मस्जिद है। आज के इस टेक्नोलॉजी ज़माने में हम लोग सिक्योरिटी अलार्म का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज से 500 साल पहले सिक्योरिटी अलार्म का सिस्टम, क्लैप सिस्टम हमारे पास मौजूद था, ये जानने को मिला इस किले में आने के बाद। इस किले के अंदर जब आप एंट्रेंस गेट से एंट्री होते हैं तो सामने ही आपको एक पत्थर नज़र आता है बीच में, और बिल्कुल सीध में ऊपर एक फूल का डिज़ाइन बना हुआ है। इसकी खासियत यह है कि इस पत्थर पर ठहर कर जब कोई आप क्लैप्स सिस्टम, यहाँ पर क्लैप सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, आप जब क्लैप्स यहाँ मारते हैं यानी जब ताली मारते हैं तो आपकी वॉइस गूंजती है, आपके वॉइस में इको का सिस्टम आता है। और बताने वालों ने बताया कि ये आवाज़ पूरे किले में गूंजती है, यानी इस पत्थर पर ठहर कर जब आप क्लैप्स मारेंगे, थाली मारेंगे, ताली मारेंगे तो फिर वो आवाज़ जो किला है, किले के हर हर जगह पर वो आवाज़ पहुँचती है। मैं ज़रा अब उस पत्थर के बीच में जाऊंगा और क्लैप्स मारूंगा, देखेंगे कि आवाज़ किस तरह गूंजती है। पहले तो हम यहाँ पर टेस्ट करते हैं, देखें हम पहले यहाँ टेस्ट करते हैं क्लैप्स मार करके आवाज़ गूंजती है या नहीं गूंजती। आवाज़ नहीं गूंज रही है। अब मैं उस पत्थर पर जाऊंगा और वहाँ पर क्लैप्स मारूंगा और देखेंगे कि आवाज़ किस तरह गूंजती है। ये है वो पत्थर जो सेंटर में बनाया गया है और देख सकते हैं कि इस तरफ है दरवाज़ा। अब दरवाजे से बिल्कुल सीध में ये पत्थर बना हुआ है और इस पत्थर के ऊपर देखें वो फूल बना हुआ है। आवाज़ के गूंजने की जो वजह है वो है इसके आजू बाजू किया गया डिज़ाइन। ये जो डिज़ाइन है ये पूरा का पूरा डिज़ाइन डायमंड सिस्टम में बनाया गया है जिसकी वजह से आवाज़ गूंजती है। तो देखें अब मैं क्लैप्स मारता हूँ, आवाज़ गूंजती है या नहीं गूंजती। आवाज़ गूंज रही है, आवाज़ गूंज रही है। ये जो क्लैप सिस्टम बनाया गया था सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बनाया गया था। सीक्रेट कुछ लैंग्वेज थी कि एक मरतबा अगर क्लैप्स मारेंगे तो ये मतलब है, दो मरतबा क्लैप्स मारेंगे तो ये मतलब है, तीन मरतबा क्लैप्स मारेंगे तो ये मतलब है। तो इनके कुछ सीक्रेट लैंग्वेज हुआ करती थी क्लैप्स के ज़रिए, जिसके ज़रिए से ये दुश्मन के आने की भी खबर देते थे बादशाह को, दोस्त के आने की भी खबर देते थे, या जो भी यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती थी गेट पर उस चीज़ की खबर किले के आखिरी हद तक वो दिया करते थे क्लैप्स मार मार कर।
आज हम लोगों के ख्याल में बात रहती है कि कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, और जिसके पास गवर्नमेंट जॉब होती है हम लोग उसे लकी इंसान मानते हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलते हैं। तो इसी तरह जब बादशाहत का दौर था और बादशाह लोगों के पास जब कोई काम मांगने के लिए आता था तो उसके सिलेक्शन के लिए यानी गवर्नमेंट जॉब सिलेक्शन के लिए बादशाह एक शर्त रखता था इस किले में। वो शर्त क्या थी? ये जो पत्थर आपको नज़र आ रहा है ये 240 केजी का पत्थर है, जो कि टोटल आयरन से बनाया गया पत्थर है। 240 केजी का ये पत्थर है। तो बादशाह उस वक्त ये शर्त रखता था कि इसको एक हाथ से उठाया जाए। जो बंदा इसको एक हाथ से उठाता था उसको एज ए गवर्नमेंट जॉब उसका सिलेक्शन होता था और उसको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती थी। तो देखता हूँ मैं भी इस पत्थर को हिलाने की उठाने की कोशिश करता हूँ। गोलकुंडा किला असल में ये पूरा एक शहर है। इस शहर में आपको मस्जिदें भी मिलेंगी, मंदिरें भी मिलेंगी, और इसी तरीके से सिपाहियों के रहने के लिए, आवाम और पब्लिक के रहने के लिए सब कुछ इसमें मौजूद है। पूरे इलाके की इमारतों में से एक इमारत है तारामती मस्जिद। आपको जो नज़र आ रहा है ये तारामती मस्जिद है। इसमें तीन मेहराबें बने हुए हैं और इसी तरीके से मीनारों के ज़रिए से ऊपर छत पर जाने का रास्ता भी इसमें मौजूद है। तो ये जो है तारामती मस्जिद है। बादशाह के ज़माने में ये आबाद थी, फ़िलहाल शायद ये बंद लग रही है। ये जो गोलकुंडा का किला है जहाँ पर मैं फ़िलहाल मौजूद हूँ, किसी ज़माने में ये हीरों का मार्केट हुआ करता था। यहाँ पर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से बादशाह हीरों की ख़रीद व फ़रोख्त करने के लिए आया करते थे। कोहिनूर का हीरा, जो कि दुनिया के मशहूर तरीन हीरों में जिसका शुमार होता है, वो इसी गोलकुंडा किले की सरजमीन से निकाला गया था। आज इस पूरे किले को देखकर बड़ा अफसोस हो रहा है, बड़ा रंज हो रहा है, और शायर का वो शेर मुझे याद आ रहा है। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। देखें ये ज़मीन जहाँ हीरों की ख़रीद व फरोख्त हुआ करती थी आज पूरी की पूरी खंडर में तब्दील हो गई है। और किसी शायर ने कहा कि एक ही काम सबको करना है, यानी जीना है और मरना है, रही बहस रंज व राहत की, वो तो फ़कत वक़्त का गुजरना है। यानी दुनिया में जीना और मरना यही हकीकत है इस दुनिया की, बाकी सब कुछ अफसाना है। देखें ये पूरा किला कभी कुतुब शाही ख़ानदान के निगरानी में रहा, उनकी हुक्मरानी में रहा, और कुतुब शाही ख़ानदान के बाद अब देखें इस किले का जो सिक्योरिटी सिस्टम है, इतना हाई सिक्योरिटी सिस्टम है। यहाँ पर इकोसिस्टम भी है, यहाँ पर फौजियों की, और इसी तरीके से ये जो पूरी इमारत आप देख रहे हैं, ये पूरी इमारत असलहा खाना यानी हथियारों के मैन्युफैक्चरिंग की जगह है। हथियारों के बनाने की और हथियारों के तैयार करने की ये जगह है, ये पूरी की पूरी इमारत। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद, इकोसिस्टम होने के बावजूद, फौजियों के होने के बावजूद, हथियारों के बावजूद, कुतुब शाही ख़ानदान के पास ये किला नहीं रह सका। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के कब्ज़े में गया। अब बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, न तो किले के बनाने वाले कुतुब शाही ख़ानदान के अफराद मौजूद रहे और न ही किले को फतह करने वाले औरंगज़ेब मौजूद रहे, सब के सब इस दुनिया से चले गए। तो वह तो वक़्त की बात थी, एक ही काम सबको करना है यानी जीना है और मरना है, रही बहस रंज और राहत की, ये तो फ़कत वक़्त का गुजरना है। ये शेर मुझे यहाँ आकर समझ में आया, इस पूरे खंडर को देखकर, इस पूरे किले को देखकर। ये पैरियाँ पूरा चढ़कर ऊपर जाना है, देखें इतने सारी पैरियाँ, फिर ऐसा होते हुए, फिर ऐसा होते हुए लास्ट इस किले का पॉइंट है ये ऊपर, जहाँ पर आपको दो मीनारे नज़र आ रहे हैं। ये मस्जिद है, शायद मस्जिद ही होगी। तो यहाँ पर ऊपर तक जाना है। अभी हम अब तक सिर्फ आधा किला देखे हैं, अभी तो आधा किला और भी बाकी है। तो देखते हैं, ऊपर जाने की पूरी कोशिश करेंगे हम इंशाल्लाह। ऊपर जाकर ऊपर से व्यू किस तरह नज़र आता है पूरे किले का, इंशाल्लाह देखने की कोशिश करेंगे। वही ये तो बहुत ज़्यादा ही पैरियाँ हैं, इतने पैरियाँ कि चढ़ सकते हैं नहीं मालूम, नहीं चढ़ेंगे। बहुत ऊंचा है, देखो
अभी कितने ऊंचाई से आया हमें, वहां से मेन गेट आप देख सकते हैं कि अभी तो आधा किला ही चढ़ा हूं मैं, गोलकुंडा किला। मुझे यहाँ आकर समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर तो हम ना सिर्फ चढ़ने इतनी तकलीफ हो रही है, अभी तो आधा रास्ता बाकी है। ये देखिए पूरा किला है, और इतना सब सफ़र तय करके यहाँ तक आया हूँ मैं, और यहाँ से जो हैदराबाद आपको दिख रहा है वो है, लोग रहते किस तरह थे और जाना आना इनका हर दिन हर बार किस तरह होता था, अल्लाह उनको कैसी ताकत अता की थी। इसको देखने के बाद तो रास्ते की थकावट दूर हो गई। भाई रास्ते में एक इंची आई हुई है जिसे गिलोरी कहते हैं, देखिए किस तरह ये हमारे सामने आकर खेल रही है। इसका खेल देखकर पैरियां चढ़ने की जो थकान थी वो थकावन अल्हम्दुलिल्लाह दूर हो गई। फाइनली मैं गोलकुंडा के बिल्कुल टॉप पर जो इमारत है जिसे दीवाने आम और दीवाने खास के नाम से जाना जाता है वहाँ पर मौजूद हूँ। जो लोग जजमेंट के लिए आते थे, फैसला करवाने के लिए आते थे, वो यहाँ पर बैठते थे। और इसी तरीके से ये जो जगह है बादशाह के बैठने की जगह है कि बादशाह यहाँ पर बैठकर अवाम के फैसले सुनाता था कि किसके साथ क्या इंसाफ होना है और किसका क्या जुर्म है और किसको क्या सज़ा मिलनी है। बादशाह यहाँ पर बैठकर फैसला सुनाता और उस फैसले को अवाम यहाँ पर बैठकर सुनती है। और इसी तरीके से जो रानी हुआ करती थी, जो महारानी हुआ करती थी, बादशाह की जो बेगम हुआ करती थी, उसके बैठने की जगह ये है। तो इस तरफ एक तरफ देख सकते हैं आप, एक तरफ बादशाह बैठता और दूसरी तरफ बादशाह की बेगम बैठती, और दोनों बैठकर यहाँ पर बैठे हुए पूरे पब्लिक को फैसले सुनाया करते थे। अब देखते हैं ऊपर और क्या क्या है। इस तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, सीढ़ियों के ज़रिए से हम ऊपर जाएंगे और देखेंगे कि और क्या है। और बिल्कुल टॉप पर से हैदराबाद किस तरह नज़र आता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। टॉप पर से पूरा हैदराबाद दिखता है। मैं समझता हूँ कि बादशाह टॉप पर बैठकर ही पूरा हैदराबाद रियाया फैसले जो कुछ भी यहीं से सुनाता था ताकि नीचे 10 बार आना जाना ना करना पड़े, वरना तो मैं कहा कि मजाहिया तौर पर बादशाह भी छोड़ देता अगर 10 से 15 बार डेली ऊपर आना जाना करता। तो चलिए आइए देखते हैं ऊपर क्या है। तो ये वो जगह है जहाँ पर बादशाह बैठकर जजमेंट दिया करता था, फैसले सुनाया करता था, और सामने उसके जिनके फैसले हुआ करते थे, जिसकी भी केसेस यहाँ पर चला करते थे, वो लोग यहाँ पर नीचे बैठा करते थे। ये पूरा हाल मौजूद है। और बादशाह यहाँ पर बैठकर जजमेंट देता था, फैसले देता था। और उस तरफ जो जगह है वहाँ पर बादशाह की बीवी बेगम हुआ करती थी। तो एक अच्छा सिस्टम है ये। यहाँ आने के बाद मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं औरंगज़ेब हूँ, कुतुब शाही ख़ानदान का कोई फ़र्द हूँ। तो बहरहाल अब ऊपर जाता हूँ मैं, देखेंगे और क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम गोलकुंडा किले के एकदम टॉप पर आ गए हैं। ऐसा नहीं लग रहा था कि हम पहुंच जाएं, इसलिए कि बहुत दूर से हम आए हैं। देख सकते हैं आप वहाँ पर वो एंट्री है, वहाँ से सब होते हुए यहाँ तक ऊपर तक आए हैं। बहुत बहुत बड़ा किला है और बहुत ही ऊंचाई पर है। पूरा पहाड़ ही में पूरा एक किला बनाया गया है, पूरी एक बस्ती बनाई गई है। यहाँ से आप पूरा हैदराबाद देख सकते हैं। देख लें गोलकुंडा किले के ऊपर से हैदराबाद पूरा नज़र आ रहा है। देखें ये जो जितनी भी इमारतें हैं ये पूरा हैदराबाद है। यहाँ ठहर कर आप पूरे हैदराबाद को एक नज़र में देख सकते हैं। और इसी तरीके से इसका जो एंट्रेंस है, देखें वहाँ से ये जो आपको इमारत नज़र आ रही है, वहीं पर वो जो क्लैप सिस्टम जो था जिसको मैंने शुरू में दिखाया था वो यहीं पर है। अब यहाँ से होते हुए पूरा इस किले को घूमते घूमते देखें, पूरा सांप की शक्ल में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और पूरा एक पहाड़ में न मालूम किस तरह इसको बनाया गया, अल्लाह ने उनको कैसी ताकत दी और कैसा जहन दिया। पूरा बहरहाल पूरा होते हुए हम पूरे टॉप पर आ चुके हैं। अभी ये पूरे टॉप का एरिया है, गोलकुंडा किले के सबसे ऊपर का हिस्सा इसे कहते हैं, जहाँ से पूरे हैदराबाद को देख सकते हैं। और इसी तरीके से पूरे किले को आप देख सकते हैं। देखें ये पूरा किला ही है। और ये जो दीवारें आपको नज़र आ रही हैं इसे उर्दू में फसील कहते हैं। और ये दीवार पूरे किले को घिरी हुई है। देखें पूरा का पूरा किला इस फसील से घिरा हुआ है ताकि कोई भी दुश्मन हो या फिर कोई भी किले का बाहर का आदमी बग़ैर इजाज़त के अंदर ना आ सकें। देखें जहाँ भी आप देखेंगे, ये भी देखें, ये भी फसील है,
ये पूरा आप किले के जिस तरफ भी देखें सब तरफ से दीवार घिरी हुई है ताकि कोई भी बगैर इजाज़त के अंदर ना आ सके, कोई दुश्मन हमला ना कर सके। यहाँ पर ठहर कर जब तारीख पढ़ते हैं या तारीख का मुतालआ करते हैं तो एक अजीब फीलिंग महसूस होती है कि किस तरह बादशाहों के ज़माने में जंग लड़ी जाती थी, क्योंकि यही वह किला है जिस किले को औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने कई महीनों तक मुहासरे में लिए रखा और इस किले को घेराव में लिए रखा और इनको फतह नहीं हो रही थी। तो फिर हज़रत यूसुफुद्दीन और शरीफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह इन दोनों बुज़ुर्गों की दुआओं की बरकत से औरंगज़ेब को फतह हासिल हुई और इस किले को उन्होंने जीत लिया। और लेकिन कई महीनों तक यूसुफुद्दीन और शरीफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दुआओं से पहले कई महीनों तक पूरी फ़ौज इस किले का मुहासरा किए हुए थी, किले को घेरे हुए थी और अंदर जो कुतुब शाही ख़ानदान की जो फ़ौज थी मुसलसल वो औरंगज़ेब की फ़ौज पर अटैक कर रही थी, हमला कर रही थी। और इस मुहासरे में औरंगज़ेब के कई सारे यानी मुगलिया सल्तनत के कई हज़ारों लाखों सिपाही मारे भी गए। तो देखें किस तरह क्या नज़ारा होगा उस ज़माने में। अब ये बिल्डिंगें वगैरह नज़र आ रही हैं लेकिन पहले तो ये कुछ भी नहीं था। अब औरंगज़ेब आप गेस करें, फीलिंग करें कि औरंगज़ेब की जो फौजें थीं ये इस दीवार के बाहर ही होंगी, यानी ये जो फसील आपको नज़र आ रही है ये फसील है, तो इस फसील के बाहर ही यानी जो किला है किले के बाहर ही औरंगज़ेब की फौजें होंगी और किले के अंदर की जो फौजें हैं वो इसी यहाँ अंदर रहते हुए बाहर अटैक कर रही होंगी और बाहर की जो फौजें हैं वो अंदर हमला कर रही होंगी। अगर उस ज़माने को सामने रख कर अगर इसको फीलिंग किया जाए और उसका एहसास किया जाए तो ये एक अजीब मंज़र नज़र आता है जो आजकल होना और आजकल इसको गेस करना बहुत मुश्किल नज़र आता है। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ज़माने में जो बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं उन बड़े बड़े कारनामों में से एक बहुत बड़ा कारनामा इस गोलकुंडा किले को फतह करना भी है, इसलिए कि यह किला बहुत हाई सिक्योरिटी पर मुश्तमिल है और बहुत ही बड़ी सिक्योरिटी इस किले को हासिल थी। लेकिन इसके बावजूद भी औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह ने इस किले को फतह किया था। लेकिन इस किले को फतह करने के पीछे एक बहुत बड़ी दास्तान तारीख़ की किताबों में मौजूद है, वो दास्तान और वो वाक़िया भी आप सुनते जाएं, बहुत ही दिलचस्प वाक़िया है। इसलिए कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी एक तरफ, लेकिन जो मैं वाक़िया आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक तरफ।